हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हमें तो राज कंपटीशन। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाले हैं कि जो हमारा हाउस वायरिंग होता है उसमें इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को ए से जेड तक फुल जानकारी देने वाले हैं और आप लोग बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करना है। अगर आज की वीडियो आप लोग पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि अपने बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करें। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है कि किसी भी बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करना है। तो आप लोगों को पूरी वीडियो कंप्लीट देखना है और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारा 12 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में आपको इसमें इन्वर्टर कनेक्शन करके दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन आ रहे थे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी ऊपर के प्लेट को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अपने बोर्ड को खोलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आपको कनेक्शन करना होता है। ठीक है, जब हमारे वहाँ हाउस वायरिंग होती है तो हम एक वायर एक्स्ट्रा डाल लेते हैं जो कि इन्वर्टर का होता है। तो हमारे वहाँ जब वायरिंग हुई थी तो हमारे वहाँ इन्वर्टर का एक वायर हमने डलवा दिया था और अब हमारे पास इन्वर्टर आ चुका है। तो उसका कनेक्शन कैसे करना है ये चीज़ें आपको इस वीडियो में समझाई जाएंगी। बस आपको वीडियो पूरी कंप्लीट देखना और स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम सबसे पहले अपने बोर्ड को खोलेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पर अपने स्क्रू से बोर्ड को खोल रहे हैं। आपको ऐसे बोर्ड को खोलना है और बिल्कुल आसानी से हमारा बोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सारे पेंच को खोल दिया है और यहाँ पर हमारा एक पेंच बचा हुआ है। अब इसको भी फटाफट से खोल देते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड बिल्कुल आसानी से खुल चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते कुछ ऐसा इसमें इंटरफेस है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये समझना है कि आपके रूम में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और आपको क्या क्या चीज़ें इन्वर्टर से करना है, क्या क्या चीज़ें बिजली से करना है। ठीक है, तो हमारे वहाँ छत में कंसील लाइटें हैं और एक ट्यूबलाइट लगा है, एक LED बल्ब लगा है और एक फ़ैन लगा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ग्रीन वाला वायर है, ये वायर हमारा इन्वर्टर का है जो कि अभी इसमें कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे पड़ा हुआ है और इसमें टेप लगा हुआ है। जब हमारे वहाँ वायरिंग हुई थी तो हमने इन्वर्टर के वायर को डलवा दिया था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो यहाँ पर हमारे जो है हम एक करेंगे फ़ैन और एक LED बल्ब इन्वर्टर से करेंगे और बाकी चीज़ें हम बिजली से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड हो जाएगा तो हमारा बैकअप कम देगा, इसलिए हम सभी रूम में एक एक LED और एक एक फ़ैन कर देंगे इन्वर्टर से और सारी चीज़ें हमारी बिजली से रहेंगे। ठीक है, हमारे जो छत में कंसील लाइटें हैं और जो बाहर की लाइटें हैं वो सारी हमारी बिजली से रहेंगी और सिर्फ एक जो है फ़ैन और एक LED बल्ब और एक सॉकेट हम बिजली से कर देंगे, एक सॉकेट इन्वर्टर से कर देंगे। तो इतना चीज़ हमको करना है। तो चलिए फटाफट से इसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको कनेक्शन बिल्कुल आसानी से समझना है, बिल्कुल ध्यान समझना है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे स्विच लगे हुए हैं इसमें नीचे वाले पॉइंट पे हमारा लाइन होता है। ठीक है, हमको जिस चीज़ को इन्वर्टर से करना होता है उस चीज़ के हमको लाइन वाले पॉइंट को हटाकर उसमें इन्वर्टर वाला जोड़ देना होता है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले बिजली के लाइन वाले पॉइंट को हटा देते हैं जिस स्विच में हमको इन्वर्टर कनेक्शन करना है। तो आप लोग देखते हैं हमने अपने कटर से काट दिया है और हमारे यहाँ पर लाइन वाला वायर अलग हो चुका है और हमारे दो स्विच अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले स्विच में हमने लाइन का पॉइंट हटा दिया है। अब नीचे वाला जो स्विच है जिसमें हम एक सॉकेट इन्वर्टर से करेंगे और एक बिजली से करेंगे, तो जिसको इन्वर्टर से करेंगे उसमें से हम बिजली से लाइन वाला पॉइंट हटा देते हैं और उसमें हमको इन्वर्टर वाला वायर को लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम इस वाली सॉकेट को अपने इन्वर्टर से करेंगे तो इसका पॉइंट हम बिजली वाले से हटा देते हैं। तो इस स्विच में हम बिजली के लाइन वाले पॉइंट को हटा देते हैं और फिर हम इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर भी जो है अपने इन्वर्टर वाले कनेक्शन कर देंगे फटाफट से। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमने लाइन वाले वायर को यहाँ पर काट दिया है, अच्छे से इसको काट देते हैं और फिर हम इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर कनेक्शन बिल्कुल सिंपल होता है, बस आपको समझना होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमको जो जो पॉइंट जो है, जो जो हमको स्विच जो इन्वर्टर से करना है उसमें हमने बिजली का लाइन वाला वायर हटा दिया। ठीक है, आपको सबसे पहले ये करना है, चाहे जो स्विच हो आपको अगर इन्वर्टर से करना है तो उसमें अगर बिजली का लाइन वाला पॉइंट लगा है तो उसको हटा देना है। ठीक है, उसको हटा कर जो हमारा इन्वर्टर वाला वायर है उसको लगा देना है उसमें, बस हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमने हटा दिया है। अब अपने इन्वर्टर वाले वायर को छील लेते हैं और जो जो चीज़ें हमको इन्वर्टर से करना है उसको हम कर देते हैं। ठीक है, तो जो आप लोग देख सकते हैं हमने इन्वर्टर वाले वायर को छील लिया है, अब हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इन्वर्टर वाले वायर को लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारा बिजली का लाइन वाला वायर लगा था उसी स्थान पर आपको लगाना है, बस हमारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन कर दिया है और अब हमारा जो दूसरा सॉकेट था, जहाँ पर आप लोग देखते हैं दूसरे सॉकेट का जो हमारा स्विच था उसमें हमने बिजली का लाइन वाला हटा दिया है, तो ऊपर से कनेक्शन करके हम इसमें बिजली का लाइन वाला दे देंगे क्योंकि हमारा एक हो जाएगा बिजली से और एक इन्वर्टर से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं हमने एक ब्लू वाला वायर ले लिया है
और ऊपर हमने बिजली वाले लाइन में वायर को जोड़ दिया है। अब इसको फटाफट से फुल टाइट कर देंगे और इसको लाकर हम अपने स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इसको दे देंगे, ठीक है। जो हमारा बिजली से सॉकेट रहेगा उसके नीचे वाले पॉइंट में इसको दे देंगे, बस हमारा ये बिजली से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कनेक्शन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो स्विच के नीचे वाले पॉइंट में अच्छे से इसको खोल दिया है। अब इसको फटाफट से कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। बस आपको ऐसे इन्वर्टर कनेक्शन करना चाहे जहाँ पर आप वायरिंग करें। तो अगर आपको जो जो चीज़ें करना है तो उसमें आपको बिजली वाला लाइन का पॉइंट हटा देना है और आपको इन्वर्टर वाले वायर को लगा देना, बस आपका एकदम कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें न्यूटन एकदम सेम होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूटन जैसा लगा है वैसे उसको लगा रहने दीजिए और कुछ भी एकदम कुछ ना कीजिए। बस आपको यही करना है कि आपको बिजली वाले लाइन के पॉइंट को हटाना है और आपको इन्वर्टर वाले को लगा देना, बस आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कभी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं और ऐसे ही आपको कनेक्शन करना है, बस बिल्कुल आसानी से हमारा एकदम जलने लगेगा, ठीक है। आप लोग देखते हैं हमारे रूम में कंसील लाइटें थी और जो है और फैन लगा हुआ था, LED बल्ब लगा हुआ था, ट्यूबलाइट लगा हुआ था। तो हमने एक रूम में सिर्फ अपना जो है एक स्विच से कर दिया है ट्यूबलाइट और एक स्विच से हमने फैन कर दिया, ठीक है। एक रूम में इतना ही करना और बाकी चीज़ें बिजली से कर दिए ताकि हमारा इन्वर्टर जो अच्छे से चले और बैठे ना। तो आप लोग देख से हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब चलिए फटाफट से अपने बोर्ड को बंद कर देते हैं और फिर आपको लाइन चालू करके दिखाते हैं कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है और आप लोग भी ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो इसको फटाफट से लगा देते हैं। तो आप लोग देख से हमने बोर्ड को लगा दिया है, चलिए इसमें फटाफट से पेंच कस लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं और इसमें लाइन चालू करके आप लोग दिखाते हैं कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रू लगाकर फटाफट से पेंच से फुल टाइट कर देंगे, जरा सा भी आपको ढीला नहीं छोड़ना है। तो आप लोग देखते हैं हमने यहाँ पर ब्लैक पेंच लगा दिया है और यहाँ पर हमारा एकदम बोर्ड अच्छे से कम्प्लीट हो चुका है और इसमें लाइन चालू हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे जो दो आगे वाले स्विच हैं ये हमारे है इन्वर्टर से और जो बाकी हैं और बाकी सब बिजली से। तो हमारे इस टाइम बिजली चल रही है इसलिए हमारा इंडिकेटर भी जल रहा है और सारी लाइटें जल रही हैं। जब हमारा बिजली चला जाएगा तो ये हमारा इन्वर्टर से जलने लगेगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वर्टर कनेक्शन ऐसे ही होता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइबर है बहुत अमूल्य। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।